अस्सलाम वालेकुम जी, लाइव फॉलो में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। जी आज की ज़बरदस्त इस वीडियो में क्या बनने वाला है, आज की वीडियो में जी मैंने आपसे शेयर किया है पपाया ड्रिंक। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और आपकी जो ड्रिंक है बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। पपाया आप सब जानते हैं, पपाया जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्रूट है अलग की तरफ से। ये ये जो होती है इसको अक्सर बड़े कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज़रा मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है आपका। अफ्तार पार्टी इसके बाद आप जब हैवी फील करते हैं तो और भूख भी नहीं लगती, तो आप प्लीज़ अफ्तार पार्टी के बाद जब आप बहुत सारा कुछ खा लेते हैं उसके बाद अब ये लाजमी एक दफ़ा ड्रिंक ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है भारीपन है वो भी नहीं होगा, और जो आप सहरी अफ्तारी में बहुत सारा हैवी सा खा लेते हैं वो भी आपको जो है वो जल्दी से हज़म हो जाएगा। तो जनाब इस वीडियो में आप देखिए इस वीडियो में ये ड्रिंक कैसे बनता है, मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहें खुश रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पपाया ड्रिंक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए एक नॉर्मल साइज़ का पपाया यानी कि पपीता। ये देखिए मैंने नॉर्मल साइज़ का पपीता लिया था और इसको मैंने जो है वो हाफ़ लिया है, और हाफ़ जो है वो मेरे तकरीबन चार से पांच जो है वो फांके निकली थी, मैंने उसको सना से जो है वो पीसेस में कर लिया है। और यहाँ पर इस पपीते को ग्राइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा दो से तीन घूंट पानी चाहिए, वो मैंने ले लिया है। अब मैं करूँगी क्या, अब मैं करूँगी इसको ग्राइंड, और ग्राइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए मिक्सचर, यहाँ पे देखिए जी जूसर चाहिए एक। ग्राइंडर के अंदर ही मैंने ये चार से पांच जो मैंने क्यूब्स काटे थे पपाया की वो मैंने इसमें डाल देनी है, और इसमें दो से तीन घूंट जो है वो पानी जाएगा ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। पेस्ट सब बन गया है ये थिक सा, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। आपने इसके अंदर जो पानी है वो इतना डालना है कि ये जो है बस ग्राइंड हो जाए अच्छे से, लिक्विड नहीं बनाना और ना ही तीन से चार जो है वो घूंट से ज़्यादा डालना है, बस इतना हो कि ये पेस्ट सा बन जाए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसा पेस्ट बन जाए। ये पानी नहीं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इतना करना है कि बस ये ग्राइंड हो जाए अच्छे से। और अब मैं क्या करूँ कि मैं इसे ग्लासेस में निकालती हूँ, लेनी है जी। अब मैं ये जो मैंने तैयार किया था ये जो पेस्ट है पपाया का, ये दो दो चम्मच मैं एक ग्लास में डालूंगी, दो से तीन, सॉरी तीन चम्मच आप लाजमी डालिएगा ताकि पपाया का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। आधा पपाया का जो बनता है वो चार से पांच ग्लास, चार ग्लास तो नॉर्मली बन जाते हैं इससे, ठीक है जी। अब आपने ये डालने के बाद, अब ये डालने के बाद हमें चाहिए ठंडी ठंडी फैंटा, प्रेफर करेगा कि पपाया भी ठंडा हो और फैंटा की बोतल है वो भी ठंडी हो। यहाँ मेरे पास फैंटा की बोतल है और मैं अब बोतल को डालूँगी इसमें पपाया के पेस्ट के अंदर। और चम्मच इसको हम कर लेंगे मिक्स, हल्का सा मिक्स करना है कि पपाया जो है वो नीचे जो पपाया पेस्ट है वो ऊपर आ जाए, इस पर मिक्स हो जाए। या ये नीचे हमारी जो हो गई है वो ड्रिंक जो है वो रेडी होगी, ठंडा ठंडा इसको आप सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की लगेगी इंशाल्लाह आपको।